और एक और बड़ी खबर क्यों करेंगे, जम्मू से आ रही बड़ी खबर, उसका रुख यहाँ पर कर लेते हैं। बता दें आपको जम्मू कश्मीर से, जहाँ पर जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे सेना प्रमुख। जी हाँ, सेना प्रमुख जो हैं वो जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे हैं। सेना प्रमुख का MM नरवणे का 2 दिवसीय ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, और एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें श्रीनगर, कुलगांव, पुलवामा में इंटरनेट सेवाएं फिलहाल बंद की गई हैं, और ये पुंछ की तस्वीरें, सेना अध्यक्ष जो है वो पुंछ पहुंचे हैं और उस दौरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल एक बड़े एक्शन की ओर यहाँ पर सेना जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। जाहिर तौर पर अभी जिस तेजी के साथ आतंकवादी घटनाएं बढ़ी हैं, घाटी में टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ी हैं, उस ओर अब एक बहुत बड़ा कदम जो है वो यहाँ पर उठाना जरूरी भी हो गया। और इस बीच सेना अध्यक्ष जो है वो पुंछ यहाँ पर पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको पुंछ की दिखा रहे हैं, जहाँ पर सेना अध्यक्ष MM नरवणे जो है वो वहां पर पहुंचे हैं। और फिलहाल अब सुरक्षा बलों की तरफ से एक स्ट्रेटेजिक जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि घाटी में बढ़ती आतंकवादी घटनाओं, आतंकवादियों के स्लीपर सेल को यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जा सके। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सेना अध्यक्ष की, जो पुंछ वो पहुंचे हैं। और फिलहाल आपको ये तस्वीरें भी हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर के दौरे पर सेना प्रमुख। और इस बीच जानकारी आपको ये भी दे दें, क्योंकि लगातार बढ़ती आतंकी गतिविधियों के बाद और खासकर गैर कश्मीरियों पर हो रहे जुल्म के बाद, अब स्थिति यहाँ पर यह है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन जो है वो यहाँ पर लिया जाना, और उसी के तहत आपको बता दें जो रणनीति है वो यहाँ पर बनाई जा रही है, ताकि आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब यहाँ पर उनकी भाषा में दिया जा सके। पुंछ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सेना अध्यक्ष जो है वो वहां पर पहुंचे हुए हैं। और जाहिर तौर पर ताजा स्थिति जो है वो पूरी जानकारी यहाँ पर जुटाई जा रही है कि अभी फिलहाल हाल फिलहाल क्या स्थिति है, क्योंकि आतंकवादियों की काफी संख्या में जंगलों में छुपे होने की जानकारी जो है वो मिल रही है, और वहीं से ये पूरी आतंकवादी घटनाओं को घाटी में अंजाम जो है वो यहाँ पर दिया जा रहा है। टारगेट किलिंग के मामले का एक जो है वो घाटी में पड़े हैं, जिसके बाद अब सेना जो है सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट हो गए हैं, ताकि किसी भी स्थिति से निपटने के लिए यहाँ पर तैयारी की जाए, और जो स्लीपर सेल है आतंकवादियों के उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाए, ताकि इन आतंकवादियों तक किसी भी तरीके से असलाह जो है वो ना पहुंचने पाए। इनके जो मंसूबे हैं, नापाक मंसूबे हैं इन आतंकवादियों के, उन्हें यहाँ पर उनका खात्मा यहाँ पर किया जाए। तो जम्मू कश्मीर के दौरे पर सेना प्रमुख और बेहद महत्वपूर्ण दौरा पुंछ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुंछ में सेना अध्यक्ष जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 दिवसीय ये दौरा जो है वो यहाँ पर रहेगा, और जाहिर तौर पर एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी के तहत जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि किसी भी सूरत में आतंकवादियों को पूरी तरीके से इनका खात्मा जो है वो यहाँ पर किया जा सके। और जिस तरीके की घुसपैठ यहाँ पर हो रही है, या इनकी जो मदद करने वाले लोग हैं उनकी पहचान, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं भी बंद हो गई हैं, ताकि जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ पर इंटरनेट के जरिए जो है वो ना होने पाए। लेकिन अब फिलहाल जिस तेजी के साथ यहाँ पर आतंकवादी छिपे हुए हैं, घटनाएं जो घट रही हैं घाटी में, अशांति का माहौल फैलाने की कोशिश जो आतंकवादियों की तरफ से की जा रही है, उस पर किस तरीके से लगाम लगाया जा सके, और आतंकवादी घटनाओं के पीछे आखिरकार कहाँ से इन्हें इतनी जो मदद है वो घाटी में मिल रही है, उसका पता लगा जा सके, इसको लेकर भी अमित शर्मा संवाददाता हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, तब सेना अध्यक्ष जो है MM नरवणे वो 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं, पुंछ की तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं, बहुत ज्यादा अब जरूरी हो गया है इन आतंकवादियों जो पनप रहे हैं यहाँ पर, घाटी का माहौल खराब कर रहे हैं, इनका खात्मा करना, और ऐसे में सेना अध्यक्ष का 2 दिवसीय दौरा, क्या इसके मायने निकाले जाए? जी बिल्कुल, सेना अध्यक्ष का 2 दिवसीय दौरा यहाँ पे जम्मू कश्मीर में है, और ज्यादातर वो जो है LOC के फॉरवर्ड इलाके हैं वहाँ का दौरा वो कर रहे हैं। वो कल यहाँ पे पहुंचे थे, उसके बाद उन्होंने राजौरी के उस सेक्टर का दौरा किया, जहाँ राजौरी जो है आतंकियों के साथ मुठभेड़ वहाँ पे चल रही है, वहाँ का वो निरीक्षण कर रहे हैं, वो जायजा ले रहे हैं, वो उसमें वो देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ से क्या चीज हो सकती है, किस तरह से हम यहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी को जो है वो यहाँ पे तैनात किया जाए, या घुसपैठ के प्रयास जो यहाँ से इस इलाके से हो रहे हैं इलाके में दोहरा है। उसके बाद वो हो सकता है कि कश्मीर जाति का भी दोहरा करे, क्योंकि कश्मीर के अंदर जिस तरह से हत्याएं वहाँ पे आतंकी चल रहे हैं, आतंकी जो वहाँ पे युवा के आतंकी हो रहे हैं, जो 1990 के दशक में जिस तरह का जम्मू कश्मीर में माहौल था, उसी का माहौल आज यहाँ पे लोग जो है वो देख रहे हैं।
जाहिर तौर पर 1990 के दशक की आपने यहाँ पर जिक्र अमित किया है, और उस दौरान जो माहौल था, जिस तरीके से गैर कश्मीरियों को लेकर माहौल था, वो माहौल एक बार फिर से बनाने की कोशिश की जा रही है। और अमित, खबरें तो यहां तक आ रही है कि एक जो आतंकवादी संगठन है वो इसमें काफी ज्यादा सक्रिय इस बीच घाटी में हो गया है, और उनका उनकी जो मदद है वो कई जो यहाँ के लोकलाइट्स हैं उनके द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है, और ये यही वजह है कि यहाँ पर एकाएक जो मामले इस तरीके के बड़े हैं। खैर, आज दिल्ली में भी अमित शाह जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर रहे हैं, खबर वहां पे भी है कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर चर्चा की जाएगी, और ऐसे में सेना अध्यक्ष का जम्मू कश्मीर का दौरा और थोड़े दिन बाद अमित शाह के आने की भी सुगबुगाहटें हैं। दौरा यहाँ पर है जम्मू कश्मीर में, जम्मू के अंदर वो इस बैठक भी करेंगे, रैली भी वो यहाँ पे करने जा रहे हैं, इस तरह की बातें दोनों सामने आई हैं। तो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर जो है हमेशा सुर्खियों पे रहा है, सबसे अगर बात करें तो घाटी हो या जम्मू के कई इलाके हों, वो हमेशा सुर्खियों पे रहते हैं, चाहे वो आतंकी यहाँ पे सबसे ज्यादा सामने आती है, राजौरी हो, पुंछ हो, या सांबा सेक्टर हो, जम्मू का एरिया स्थित की बात करें तो इसके अलावा अगर बात करें तो कश्मीर घाटी के कई कई ऐसे सेक्टर हैं, जैसे उड़ी सेक्टर है, बारामूला है, कुपवाड़ा है, तो कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे आतंकी गतिविधियां जो है सबसे ज्यादा वहां पे देखी जाती है। मैं आपको बता दूं कि ये जो 3-4 दिन से लगातार कश्मीर घाटी के अंदर एक दहशत फैलाने की जो कोशिश जो है आतंकियों की जा रही है, उसमें उन्होंने गैर कश्मीरी लोगों को अपना निशाना बनाया, जो एक रोजगार कमाने के लिए कश्मीर में आए थे और गोलगप्पे की रेडी लगा रहा था, उस व्यक्ति को वहां पर निशाना बनाया गया। उसको देखते हुए कश्मीर घाटी के अंदर कई इलाके हैं वहां पर इंटरनेट जो है उसको भी वहां पर बंद कर दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि कश्मीर घाटी के अंदर इस समय माहौल जो है वो तनावपूर्वक बना हुआ है, क्योंकि लगातार लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल है। अगर जम्मू और की बात करें तो राजौरी और पुंछ में जहां पर पिछले 9 दिनों से लगातार आतंकियों के साथ में हमारे भारतीय सेना के जवान जो है वो लोहा लेते नजर आ रहे हैं, लगातार मुठभेड़ वहां पर चल रही है, आज 9 दिन हो चुके हैं। मैं खुद वहां पर ग्राउंड पे जब मैंने पहुंचा था तो मैंने लोगों से बातचीत की, तो लोगों ने कहा कि 1990 का दशक जो है हमें वो मंजिल याद आ रहा है कि जब हम घर की छतों पर भी नहीं जा सकते थे, हम धूप जो है वो नहीं ले सकते थे, हम घर के बाहर काम नहीं कर सकते थे, क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं, जो किसान लोग हैं, वो खेती बाड़ी करते हैं, खेती बाड़ी करने के लिए वो मुश्किल पे है, क्योंकि पिछले 10-12 वर्षों में जो है उन्होंने जो सुख और चैन की नींद वहां पे ली, अब वो दोबारा से वो सुख और चैन जो है उनसे छीना जा रहा है। बिल्कुल, और ऐसे हालात जो है वो बनाए जा रहे हैं, लेकिन इनके पीछे कौन है इसका पता लगाना बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो